टेंडर्स महाराष्ट्र। आज की वीडियो में हम टेंडर महाराष्ट्र पर एक टेंडर का पेमेंट करेंगे। उसे देखते हैं हम कि किस तरीके से करते हैं हम पेमेंट। सबसे पहले मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर जिस टेंडर का मुझे पेमेंट करना है वो यहाँ पर है। देखिए, ये उसकी आईडी है, ये टेंडर डिटेल्स है, पूरा टेंडर के रिलेशंस है। तो मैं यहाँ पर टेंडर आईडी को इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद देखिए यहाँ पर सर्च एक्टिव टेंडर्स, इस पर क्लिक करेंगे। टेंडर आईडी यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे, उसके बाद सर्च। जो टेंडर को भरना है वो सर्च करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देता है। फेवरेट के लिए इसको टिक करना है और इस बटन पे क्लिक करना है। माय टेंडर्स, यहाँ पर कुछ टेंडर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से ये पहला ही ये टेंडर है जिसका पेमेंट हमें करना है। तो इस पर क्लिक करके व्यू करेंगे। प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन, इस बटन पे क्लिक करेंगे। आई एग्री, ये बॉक्स को चेक कर लेना है। नेक्स्ट 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 बटन पे क्लिक करेंगे। ये टेंडर के ताल्लुक से छोटी सी मालूमात है, इसे अच्छी तरीके से देख लेना होता है, साथ ही साथ ये पेमेंट भी चेक कर लेना होता है। उसके बाद पे ऑनलाइन, SBI बैंक, इसे सिलेक्ट करने के बाद सबमिट सबमिट। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, जो भी आपका बैंक हो उस रिलेशन से यहाँ पर क्लिक करना होता है। मैं ऊपर वाले ऑप्शन पे सिंगल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लॉगिन आईडी और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। मैं यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। इस बटन पे क्लिक करना होता है। एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद कंफर्म करना होता है। इस तरीके से ये पेमेंट हो जाता है।